अल्बर्टा सरकार ने ऐलान किया है कि उन्होंने वालों नवे प्रवासी कामियां लई नौकरियां सीमित कीतियां जाणगियां ताकि बेरोजगार होए अल्बर्टा वासियां लई नौकरियां बचाईयां जा सकन। इस दौरान सरकार तों अधिकारियां दा कहना है कि इस कदम नाल अल्बर्टा वासियां नूं नौकरी मिलण विच सुखाला हो सकदा है जिन्हां नूं इस समय नौकरियां नहीं मिल रही। अल्बर्टा दे लेबर ते इमीग्रेशन मंत्री जेसन कोपिंग ने कहा है कि इसे नाल वसनीकां दे लई 1350 नौकरियां आ सकणगियां, जिन्हां दस्सिया कि इस संबंधी उन्हां दा ट्रूडो सरकार दे नाल एग्रीमेंट भी होया है ते जिस नाल 800 तों वध LMIA लई अर्जियां खारिज कीतियां जाणगियां। इत्थे जिक्र योग है कि वखो वखरे अदारियां विच जो इंपलॉयर ने जदों उन्हां नूं उस खेतर विच कामे नहीं मिलदे तां उन्हां वल्लों LMI कढवाई जांदी है ते उस तों बाद ओह प्रवासी कामियां नूं दित्तियां जांदियां ने, जिस तों बाद प्रवासी कामियां नूं वर्क परमिट भी मिल जांदा ते उन्हां दे अधीन काम करन दा मौका भी। पर इस दे उत्ते हुण जो जानकारी सामने आई है उस मुताबक अल्बर्टा दे विच कई अदारियां विच इंपलॉयर्स दे वल्लों जो LMIs अप्लाई कीतियां जाणगियां उस दे विच उन्हां नूं सीमित कीता जा रहा है ते कई खारिज कीतियां जाणगियां। 800 तों वध अर्जियां खारिज कीते जाण दा तां जिक्र भी कीता गया है। इस पॉलिसी नाल वखो वखरे अदारियां विच 475 खित्तियां ते प्रभाव पवेगा, जिस विच भोजन नाल संबंधित रिटेल दा व्यापार, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, साइंटिफिक ते तकनीकी सर्विस ते होर खित्ते शामिल ने, इस दा जिक्र कीता गया है। इस दौरान यह भी साफ किया गया है कि यह पॉलिसी उन्हां इंपलॉयर्स के काम के उत्ते असर नहीं पावेगी जो खास कामां दे लई प्रवासी कामियां नूं नौकरियां दे उत्ते रखदे ने, जिस दे विच केयर गिविंग, खेतीबाड़ी ते तकनीक नाल संबंधित खित्ते शामिल ने। नवंबर 1 तों LMIA लई अर्जियां नूं सीमित किया जा रहा है, यानी कि प्रवासी कामियां दे लई अल्बर्टा विच नवंबर 1 तों बाद LMIA मिलने सौखे नहीं होणगे। इत्थे जिक्र योग है कि कैनेडा सरकार दे वल्लों इजाजत दित्ती गई सी कि जो विजिटर वीजा दे उत्ते कैनेडा दे विच आए सन ते COVID-19 दे करके ओह अपने देश नहीं सी परत सके समय सिर, उन्हां दे लई वी LMIA देने उन्हां नूं इजाजत दित्ती गई सी कि ओह इंपलॉयर तों लैटर लै सकदे ने, जिस तों बाद ओह कैनेडा विच वर्क परमिट लै के काम कर सकदे ने। खास तौर दे उत्ते कई असेंशियल कम्मां दे वास्ते कामियां दी घाट भी पै गई सी, तां दूजे पासे कई लोकां नूं नौकरियां नहीं सन मिल रहियां। पर इस तों बाद हुण मुड़ तों सारे काम नूं लीह ते लिआउण दे वास्ते वक्खो वक्खरे फैसले कैनेडा सरकार दे वल्लों भी लए जा रहे ने ते वक्खो वक्खरे सूबियां दे वल्लों आपो अपने पद्धर दे उत्ते भी फैसले कीते जा रहे ने ते अल्बर्टा दे वल्लों जो इह फैसला कीता गया इह इस चीज़ नूं मुख रखदे होए कीता गया तां कि अल्बर्टा वासियां नूं नौकरियां मिल सकण, जदके वड्डी गिणती दे विच उत्थे दे वसनीक नौकरियां तों बगैर बैठे ने। पर LMIA अप्लाई करके इंपलॉयर्स दे वल्लों प्रवासी कामियां नूं उत्थे काम करन दे वास्ते बुलाया जा रहा है ते इसे नूं सीमित करन दे वास्ते इह कदम चुक्या जा रहा है ते इस पॉलिसी दे उत्ते जल्द काम शुरू होवेगा। The government of Alberta is announcing that as of November 1st, we will limit the number of applications available through the Temporary Foreign Worker Program. We've reached an agreement with the federal government to refuse more than 800 labor market impact assessment applications. Positions that would have been filled by temporary foreign workers will instead be open to people in the province. And this will free up more than 1,350 jobs so we can get unemployed Albertans back to work as soon as possible. We are also reducing the nominations allowable through the Alberta Immigrant Nominee Program. And this year, the number will drop from 6,250 to 4,000. The remaining nominations will only be available to temporary foreign workers already living and working here in Alberta. Now, we know that temporary foreign workers are essential for Alberta's economy, and they will continue to be. These changes won't affect employers recruiting for select occupations in the agricultural, emergency response, technology and caregiving sectors. But we're in extraordinary circumstances that demand nothing less as far as solutions go. Alberta is facing a sustained unemployment rate above 11%, and we need to protect jobs and get people back to work quickly to relaunch our economy. We will watch impacts closely and partner with industry, job creators, immigrant-serving organizations, and municipalities to adjust Alberta's immigration approach as needed once the economy begins improving. These changes will help create opportunities for unemployed workers currently living in Alberta, but it also protects the future for potential newcomers and temporary foreign workers who have not yet arrived in our province. Now, studies have shown that unemployment rises during recession disproportionately affects recent immigrants and visible minorities. Now, newcomers will always play an important role in Alberta's economic recovery, but first we need to set them up for success.
Now, as Alberta's government, we also want to emphasize that these temporary measures won't impact our longer-term vision.